नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज, मैं हूं आफताब। आइए रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ। महाप्रबंधक के माध्यम से भारतीय कोयला मजदूर संघ ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खबर आ रही है जनपद नौरोजाबाद से, जहां महाप्रबंधक के माध्यम से बीएमएस यूनियन संघ ने राष्ट्रपति एवं कोयला मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं श्रम विभाग में फेरबदल करके कोल इंडिया को पूंजीपतियों के हाथ देने को कहा गया है, जिससे केंद्र के कॉमर्शियल मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के श्रम कानूनों को शिथिल करने एवं श्रम कानून के निलंबन PMCGIL को कोल इंडिया से अलग किए जाने पर बीएमएस यूनियन ने अपने पूरे सदस्यों के साथ उमरिया जिले के नौरोजाबाद कॉलोनी में जीएम कार्यालय में जाकर महाप्रबंधक को महामहिम राष्ट्रपति एवं कोयला मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। डीडी टुडे के लिए नौरोजाबाद से ओम प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। इंडिया को कमर्शियल माइनिंग यानी पूंजीपतियों के हाथ में देने की जो बात उन्होंने कहा है, इसके लिए हमारा केंद्र, प्रदेश और फेडरेशन पूरी तरह से नाराज है और उसी तारतम्य में श्रम कानून के बदलाव और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ एवं CMPDIL को जो कोल इंडिया से अलग कर दिया गया है, ये तीन मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ आ गया है। काला मास्क पहन के विरोध प्रदर्शन करते हुए महाप्रबंधक के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और निश्चित ही आने वाले समय में अगर इन समस्याओं पर विचार सरकार द्वारा नहीं किया गया तो भारतीय मजदूर संघ आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की संभावना मतलब व्यक्त करता है और बोल भी चुका है भारत सरकार को। इसलिए भारत सरकार अभी जाग जाइए, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो सरकार अच्छा काम करती है देश के लिए करती है, देश के मजदूरों के लिए अच्छा काम करती है, भारतीय मजदूर संघ उसकी हमेशा प्रशंसा किया है, उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ।